मैं विकास सिंह चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बेटा, इकोलॉजी और इकोसिस्टम पे इससे पहले हमारा एक वीडियो आ चुका है, तो जिन स्टूडेंट ने अब उस वीडियो को मिस कर दिया है, सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखेंगे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, तत्पश्चात इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद इकोलॉजी और इकोसिस्टम से रिलेटेड किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कोई भी प्रश्न आता है तो मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त करा सकता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो खाली जाए। और मैं क्वेश्चन पेपर लेके भी आऊंगा, जो हमारा थर्ड सेशन होगा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उस पर हम लोगों का डिस्कशन होगा और स्वतः आप लोग देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आप लोगों से हूबहू हो जा रहे हैं। मतलब लास्ट तक अभी सेशन खत्म होने के कहोगे हाँ मजा आ गई और एक कप चाय और बढ़िया नमकीन वमकीन लेकर बैठ के महसूस करो कि हाँ हो रहा है, मजा आ रही है। तो जो कल का सेशन था उस पे इकोलॉजी पे हम लोगों ने बात की थी कि कैसे अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले इकोलॉजी दिया। इकोलॉजी क्या था कि जीव जिस ओइकस और लॉगस मतलब स्थान, किसी प्राणी के रहने के स्थान का अध्ययन करना या किसी जीव और उसका पारस्परिक वातावरण के अंतः संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाता था, इकोलॉजी कहलाता था। इकोलॉजी के बारे में उसके जो है अर्नेस्ट नीस के बारे में और उनके सतत इकोलॉजी और जो है सतही इकोलॉजी में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने 1972 में बताया था कि अर्नेस्ट नीस दिए थे और 1972 में एक आपका सम्मेलन भी हुआ था स्टॉकहोम में। उस दिन से सारा विश्व, चूंकि बेटा एक चीज बता दूं कि इस समय ये सब्जेक्ट ऐसा हो गया, एक समय था कि जब भौतिक विकास अपने चरम पर पहुंच रहा था, बहुत तेजी से विकास हो रहा था, तो पर्यावरण संतुलन कोई देख ही नहीं रहा था। लेकिन जब पर्यावरण संतुलन पूरे तरीके से बिगड़ने लगा और पर्यावरण संतुलन पे विचार उठने लगी, तो सबसे पहले 1972 में एक बार लगभग समस्त विश्व के समस्त देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 5 जून को ये सेशन हुआ था। तभी से 5 जून को विश्व एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे एजी टांसले ने इकोसिस्टम दिया, तो इकोसिस्टम के मैंने बताया था इको मिस इकोलॉजी और सिस्टम माने सिस्टमैटिक। मैंने बताया था किसी भी जीव के कार्यात्मक इकाई का सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। अब इसको मैं और तोड़ मरोड़ के एकदम आसान वे में, जैसे लाइक दैट हलवा टाइप अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो देखो कैसे है। देखो इकोसिस्टम क्या है, जीव के, मैंने कहा किसी भी जीव का क्रियात्मक इकाई के अध्ययन करना सुव्यवस्थित तरीके से क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। मान लो क्रियात्मक इकाई हम है, मान लो हम हो या तुम हो, ये हम है, अच्छे नहीं लग रहे बहुत सही, फिर भी चलो ठीक है, हाँ ये हो गए हम, ये क्या है, मैं जीव हूं, लेकिन मैं इतने में ही तो सरवाइव नहीं कर पाऊंगा ना, मुझे बहुत सारे चीज ऐसे कंपोनेंट्स होंगे कि हमको सरवाइव करने के लिए इस वातावरण में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए, अपनी अनुकूलन और समायोजन बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी। जैसे हमको क्या चाहिए भैया, हमको चाहिए ऑक्सीजन, क्या है, लिविंग कंपोनेंट है, नहीं, हमको O2 चाहिए, हमको क्या चाहिए, H2O चाहिए, हमको क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इस तरीके से फूड चाहिए, मान लो सारी चीजें, सारे कंपोनेंट ले लें, यानी कि और बहुत सारी चीजें। तो किसी भी जीव को इन चीजों के साथ, यानी कि जीव अकेले तो नहीं सरवाइव कर सकता, जीव का सजीव और निर्जीव का जो पारस्परिक संबंध है, लिविंग और नॉन लिविंग का जो इंटरेक्शन है, इसी को क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। बहुत मतलब लिविंग और नॉन लिविंग का जो इंटरेक्शन है, जो पारस्परिक संबंध है, इसको इकोसिस्टम कहते हैं। अच्छा, बहुत डाउट वाली चीजें थी, मैंने कहा इकोलॉजी, ये बड़ा डाउट हो जाता है कि इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है। मैंने कहा था इकोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का एक पार्ट है। और इकोलॉजी इकोसिस्टम में मैंने बताया था, इकोलॉजी मीन्स मैंने बताया ओइकस और लॉजी और लॉगस दो ग्रीक वर्ड से बने हैं। ओइकस मीन्स होता है रहने का स्थान और लॉगस माने होता है अध्ययन करना, यानी किसी प्राणी के रहने के स्थान का अध्ययन करना। प्राणी रहेगा किसमें, वातावरण में, यानी जिस प्राणी जिस वातावरण में रहता है तो पारस्परिक किसी प्राणी का अंतः संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। इसको इकोलॉजी और
इकोसिस्टम को मैं बहुत सरल शब्दों में अगर कहूं कि मतलब एकदम समझ में आ जाए, एकदम हलवा हो जाए, तो कुछ इस तरीके से कहेंगे कि जैसे मान लो मैं यहां हूं, मेरे पास टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन करने के लिए एसी ऑन कर रखी है, थोड़ा लाइटिंग कर रखी है, पीछे व्हाइट बोर्ड है, सामने मेरे बहुत सारी इधर नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये मेरा पूरा जो सिस्टम है ये मेरा इकोलॉजी है, ये पूरा सिस्टम मेरा क्या है, इकोलॉजी। और इस सिस्टम का, इस अंतःक्रिया का अध्ययन अगर तुम कर रहे हो, तुम मेरे इस अंतःक्रिया का अध्ययन कर रहे हो, तो वो इकोसिस्टम हो गया। समझ गए? यानी कि दो लोगों के बीच में हो रही अंतःक्रिया का कहलाएगी इकोलॉजी, और किसी जीव और उसके वातावरण की परस्पर अंतर्क्रिया का कहलाई इकोलॉजी, और कर रहा है उस अंतर्क्रिया का जो अध्ययन करना है वो क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम कहलाएगा। मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, अन्यथा आप पिछले वीडियो में जाएं, थोड़ी देर मेडिटेशन करें, आज बड़ा मंगलवार है, निकल जाएं कहीं भंडारा खाने जाएं, गरम गरम पूड़ियां और कद्दू की सब्जी, क्योंकि भंडारे की सब्जी का जो स्वाद मिलता है बेटा, वो दुनिया की कहीं भी किसी भी सब्जी में जाकर कभी नहीं मिलेगा। आप भंडारे की सब्जी खाएं, तत्पश्चात फिर आए, चलो पूरे शिद्दत के साथ लगते हैं। और इकोसिस्टम के आज हम लोग इसके घटक पे परत करेंगे, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, तो इसके जो घटक हैं बेटा दो हैं, एक जैविक लिविंग, अजैविक नॉन लिविंग कंपोनेंट, जैविक और अजैविक लिविंग कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट। अब भाई जो इकोसिस्टम है इसके मैंने बताया दो घटक हो गए, एक जैविक, जैविक में समझ रहे हो जीव, जिसके अंदर क्या हो, प्राण हो, अजैविक जिसके अंदर प्राण ना हो। अब जैविक को भी अपने जो मैं जैविक को भी तीन भागों में हम तोड़ सकते हैं, तोड़ते किसी चीज को क्यों है कि इसको तीन भागों में बांटा गया, देन इसको तीन भागों में बांटा गया, पांच भागों में, छह भागों में बांटा गया। भाई बांटते इसलिए हैं कि जिससे हम लोग उसको सरलतम रूप में पढ़ पाए। जैसे बच्चे रहते हैं तो जब बहुत सारा खाना अगर बच्चे को दिखाओ तो बच्चा डर के कहता है मम्मी खाना नहीं खाएंगे, तो मम्मी क्या करती है, छोटा छोटा कोर बोलस बना देती है, ये पापा का बोलस है ये खा लो, मम्मी का खा लो, तो कहेंगे पापा मम्मी वाला खा लिए तो चाचा वाला नहीं खाओगे, चाचा नाराज हो जाएंगे, तो ये चाचा वाला खा लो। इसीलिए किसी चीज को एक समरिएबल पढ़ना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इसको स्टेप बाय स्टेप कई भागों में तोड़ के हम लोग पढ़ते हैं। बाकी तोड़ने का कोई बहुत बड़ा मायने नहीं है कि इसको तीन भागों में क्यों बांटा गया, इसको कितने भागों में बांटा गया। भाई ये बांटने का तरीका जो है वो हम लोग अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग उसको सरलतम वे में प्रदर्शित करने के लिए बांटते हैं। अब देखो जैविक, जैविक जैविक घटक, भैया जैविक घटक का मतलब कौन, जिसके अंदर है जान, जान मतलब अंबुजा सीमेंट मत समझ लेना, कहते हैं अंबुजा सीमेंट जिसके अंदर है जान, अंबुजा सीमेंट के अंदर कोई जान नहीं है, ये चलो इसकी बात करते हैं हम लोग। जैविक घटक जो है, जैविक घटक में सबसे पहले आप पे आ जाते हैं उत्पादक, इसको बोलते हैं क्या इंग्लिश में, प्रोड्यूसर। भाई दोनों लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, हिंदी में लिख रहा हूं, बाइलिंगुअल चल रहा हूं। उत्पादक से समझ रहे हो उत्पादन करने वाले, यानी कि जो किसी भी खाद्य चीज को उत्पादित करें, यानी ऑटोट्रॉफ्स जो खाने को खाद्य सामग्री को उत्पादित करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उत्पादक। भाई दूसरा कौन है, अगर खाना बनेगा तो खाना खाने वाले भी होंगे, तो दूसरा कौन हो गए, उपभोक्ता, उपभोक्ता कंज्यूमर, कहते हैं कंज्यूमर फोरम चले जाएंगे। तो उत्पादक जो उत्पादन करता हो, उपभोक्ता जो उत्पादित किए गए सामग्री को उपभोग करता हो, क्या होगा, उपभोक्ता होगा। और उसके बाद होते हैं तीसरा अपघटक, अपघटक कौन होते हैं, डीकंपोजर होते हैं, जो किसी चीज की जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी एक कहानी है कि भैया एक ही, कहते हैं सत्य मृत्यु ही सत्य है, यानी कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको मरना है, अल्टीमेटली मरना है। जैसे एक बार जानते हो एक आदमी ने कहा कि भाई खुश रहने का तरीका, मतलब पॉजिटिव होने का तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ, किसी ने पूछा कि भाई ये बताओ तुम बैठे रहते हो इतना ज़्यादा क्यों नहीं कमा लेते, एकदम मुकेश अंबानी, मतलब इतने काम से क्या होगा, सिर्फ पढ़ाई करने से थोड़ी होगा, मुकेश अंबानी क्यों नहीं बन जाते।
तो कहे भाई मुकेश अंबानी नहीं बना सुकून में, ठीक है 70-80 हज़ार रुपये कमा रहे सुकून। तो कहा कि मतलब सोचने का तरीका बता रहा हूँ, आप मुकेश अंबानी से भी कंपटीशन कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि उसने कहा क्यों मतलब क्या, तो कहा मुकेश अंबानी जैसा जब बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत रखोगे तो उससे कम भी कमाओगे, तब भी क्या होगी, BMW होगी, जगुआर होगी, लंबरगिनी होगी। तो कहा भाई ये सब तो होगी ही होगी, उनसे जलन अगर मैं रखूँ तो मुझे तो यही देख के सुकून मिल जाता है कि मेरी उम्र कितनी, कहे 18, कहीं उनकी उम्र कितनी, कहीं 40, कहीं मरेगा कौन पहले, कहे वो। तो ये बात मतलब पॉजिटिव वाले हर जगह पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ लेते हैं। और बेटा पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि कोई शुभ साहित नहीं आने वाली है, अचानक सारी परीक्षाएं आ जाएंगी, तो आप बैठ के इंतजार ना करिए और पूरे तन्मयता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास करें, इसको शेयर करें, जितना हो सके लाइक करें और सबको मैक्सिमम इसके सब्सक्राइबर को जितना हो सके बढ़ाएं और पूरी ऊर्जा के साथ लग जाएं। परीक्षाएं कभी भी आएंगी, क्योंकि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे, खाक, जो घुटनों के बल चलते हैं। तो आपकी तैयारी अगर उस पीक लेवल पे पहुंच जाएगी तो परीक्षाएं आज नहीं तो कल होनी ही होनी है, और परीक्षाएं होने के बाद जब परीक्षा का डेट आ जाएगा तब उसमें तैयारी नहीं हो पाएगी। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये जैविक घटक के मतलब परिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम के क्या है, जैविक घटक है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक मतलब ऑटोट्रॉप्स, जो अपना चीज खुद बना लेते हो, अपना खाना खुद बना ले। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज सनलाइट, इस धरती पे एनर्जी का मेन सोर्स कौन है, सूर्य है। सूर्य से ऊर्जा को अवशोषित कर जो खाद्य का निर्माण करता है वो कौन होते हैं, पेड़ पौधे। तो सबसे पहले उत्पादक भैया खाना बनाते कौन है, पेड़ पौधे। इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों की बड़ी कहानी है। पेड़ पौधे मतलब नेचुरलिटी, मतलब ग्रीनरी, यही जीवन है। अगर पेड़ पौधों का इतना बड़े लेवल पर डिफॉरेस्टेशन ना होता तो शायद बहुत सारी बीमारियां ना आती। अब देखो पेड़ पौधे करते क्या है भाई, ये हमारे हो गए भगवान सन देवता, मतलब सूरज भगवान। यहां एक प्लांट लगाए, ये देखो, ठीक, मान लो ये प्लांट हो गया, तो सनलाइट यहां से आती है, ठीक। होता क्या है, इनके अंदर एक क्रिया होती है हर प्लांट के अंदर, जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। इस क्रिया में क्या होता है कि प्लांट भैया दो चीजें लेती हैं, हम लोग रिस्पायरेशन से निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो 6CO2 + 6H2O, 6H2O क्या है बेटा, पानी है, H2O फार्मूला है ना, केमिकल फार्मूला पानी का। ये दोनों किसके प्रेजेंस में, सनलाइट, ऊपर सनलाइट होती है और नीचे क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ये क्या बनाते हैं, C6H12O6 + 6O2। ये भैया देखो ध्यान से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, और दो चीजों की उपस्थिति में, सनलाइट जो ऊपर से डे, चूंकि सूर्य दिन में चमकता है तो ये क्रिया भी कब होगी, दिन में होगी कि रात में, दिन में होगी, स्वाभाविक है। और नीचे क्या है, जितने ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट के, ऐसा नहीं कि पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, भाई स्टेम ग्रीन है तो स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक, ऐसा नहीं सिर्फ पत्तियों में होगा, जो ग्रीन पार्ट्स हैं जहां क्लोरोफिल पाया जाएगा वहां फोटोसिंथेसिस होगा। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या बना रहे हैं, C6H12O6, यानी इसको बोलते हैं ग्लूकोज, या ग्लूकोज बोलो या साधारण शब्दों में कह लो भैया बना रहे हैं क्या, फूड, खाना बना रहे हैं, और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। ये वही ऑक्सीजन है जिसका वातावरण में परसेंटेज 20.9% है, और हम लोग इसी से जी रहे हैं, हम लोग इसी से जी रहे हैं। ये ऑक्सीजन का मतलब ना समझ पाए हो तो कोरोना के सेकंड वेव में समझ गए होगे, भैया ऑक्सीजन क्या है, पीपल के वृक्ष के नीचे लेटा के सवरी दवाई, बहुत लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे क्योंकि पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करने वाला पौधा है। तो मतलब कोरोना के टाइम में एक चीज तो समझ में आ गई कि प्राकृतिक वातावरण में रहना भौतिक वातावरण के रहने के अपेक्षा ज्यादा सेफ है।
इसलिए सारे लोग अपनी ग्रीनरी को बनाए रहें और ध्यान देते रहें। तो ये बात हो गई किसकी बेटा, उत्पादक की हो गई, मतलब इकोसिस्टम के जो जैविक घटक हैं उसके पहले बात हो गई उत्पादक की। और उत्पादक क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या बनाए, फूड, C6H12O6 मतलब फूड बनाए और ऑक्सीजन भी रिलीज की, तो उत्पादक तो समझ गए। अब दूसरे नंबर पे कौन आता है, उपभोक्ता। आ जाओ भैया तुम कहाँ हो, ये यहाँ है उपभोक्ता, कंज्यूमर। अब देखो उपभोक्ता ऐसा है ना, उपभोग करता है, खाता है, क्या खाएगा, सिस्टम है। देखो मान लो यहाँ पेड़ पौधे हैं, ये तो खुद बनाएगा अपना खाना। हम लोग भी पेड़ पौधे थोड़ा गड़बड़ बनते हैं ना, लेकिन हम लोग लगाते हैं। चलो घास लगा दिए, घास का मैदान हो गया। पेड़ पौधों को खाएगा कौन, मान लो एक चूहा बना देता हूं, ये चूहा, चूहा को कौन खाएगा, बिल्ली कैसे बनाऊं, ये समझ लो बिल्ली थोड़ी बहुत दिख रही होगी, तो बिल्ली, बिल्ली खा ली। और बिल्ली को फिर कौन खा लेगा, बिल्ली को मान लो कि शेर खा लिया, भूखा था कुछ नहीं मिला तो लायन खा लिया उसे, ठीक। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा, उपभोक्ता, प्रोड्यूसर, आपको पता चल गया कि सबसे पहले प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट्स हैं। प्लांट को कंज्यूम करने वाला जो पहला होगा, मतलब शाकाहारी जीव, शाकाहारी जीव जो अपने जीवन यापन के लिए सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों पर डिपेंड हैं, उनको हम बोलते हैं प्रथम उपभोक्ता। क्या बोलेंगे, प्रथम उपभोक्ता, ठीक। अब प्रथम उपभोक्ता को खाने वाले जीव, जैसे मैंने बताया कि जान लो कि ग्रासेस को कौन खाया, रैबिट, और रैबिट को कौन खाया, कैट। तो जो रैबिट को खाने वाले जो मांसाहारी हैं, जो मांसाहारी जीव हैं, यानी कि जिनके अंदर केनाइन टीथ हैं, वो जो हैं वो क्या कहलाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता। अब द्वितीयक उपभोक्ता को कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों खाते हैं, मतलब मैंने कहा जैसे हम लोगों को ले लो, हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रासेस को भी खा लेंगे और हम लोग चलेगा तो मतलब हम लोग तो मतलब मैं तो वेजिटेरियन हूं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काउ बिल्ली भी खा ले, खाते भी हैं, त्रिपुरा उत्पुरा में खाते हैं, बहुत सारे ट्राइब्स खाते हैं। तो मतलब जो सर्वाहारी होता है ये पीक पे होता है और वो उसको खा लेगा, तो उसको बोलते हैं तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या थर्ड कंज्यूमर। अब देखो बातें मैंने कहा जब समझो, तो समझने का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग रट लें, समझने का मतलब विजुलाइज हो जाए, मजा आ जाए। मजा आने के मतलब जैसे जान लो कि बरसात हो रही है बढ़िया झमाझम, और छपरे के मकान में बैठे हो, बढ़िया चटनी वाला और बढ़िया गोभी की पकौड़ी और चाय मिल रहा है, इतना मजा आ जाए, तब समझो कि पढ़ाई का मतलब आया। तो प्रथम उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अच्छे समझ में ही आता कि सर जी ऐसा क्यों नहीं होता कि इसको ये खा रहा है फिर उसको वो खाएगा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा फिर छठवां, तब तो एक चैन बन जाएगी भाई, जैसे पॉलीथीन कि CH2 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 जुड़ते चले गए। तो ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि सर मान लो कि इसको चूहे ने खाया, चूहे को फिर किसी बिल्ली ने खाया, बिल्ली को फिर किसी मान लो से ने वो एक दूसरा भेड़िए ने खाया, भेड़ को से उसने खाया, उसको चीते चीते को शेर ने खाया, ऐसी लंबी सी साइकिल क्यों नहीं बन जाती, नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि देखो पहली चीज क्यों नहीं बन सकती, इसके लिए आपको एक चीज ध्यान से, तब मैं घटक उसके बाद पढ़ाऊंगा। तो आपको मैंने बताया प्रथम उपभोक्ता कौन होते हैं, प्रथम उपभोक्ता पूर्णतः किस पे, शाकाहारी चीजों पे, यानी कि पेड़ पौधों पे डिपेंड होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता जो प्रथम उपभोक्ता को खाते हैं उनको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, और सर्वाहारी को श्रेष्ठ उपभोक्ता या जो है खाद्य श्रृंखला के पीक पर रखा जाता है। अब मैंने कहा ये लंबी सी चैन क्यों नहीं बनती, सुन लो क्यों नहीं बनती, क्योंकि भैया अगर प्लांट है, इस प्लांट को कोई अगर खाएगा
तो टोटल एनर्जी का 1/10 पाएगा, नहीं समझ पाए, मतलब यहां 100 किलो कैलोरी मान लो ऊर्जा थी इस घास में कि भैया इतना ऊर्जा मिलेगी हमको, इतनी एनर्जी मिलेगी, वी कांट टू डू एनी वर्क विदाउट एनर्जी, यू नो वेरी वेल, अंग्रेजी बोल दिया, मतलब हम लोग बिना ऊर्जा के कुछ भी नहीं कर सकते, हमको ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा खाना से मिलेगी, तो खाना खाएंगे तो 100 किलो कैलोरी अगर यहां ऊर्जा थी तो भैया 100 का 1/10 कितना होगा, 100 1/10 इक्वल टू कितना, 100 / 10 करोगे कितना आएगा, 10, यानी चूहा मामा राम कितना पाएंगे, सिर्फ 10 किलो कैलोरी पाएंगे। अब इस चूहे को मान लो बिल्ली ने खा ली, तो ये बिल्ली कितना पाएगी, बिल्ली पाएगी 10 का 1/10 करोगे तो वो पाएगी 1 किलो कैलोरी, और इसको अगर आदमी ने खा लिया, ये चंपू राम अगर इसको खा लिए तो 1 कैलोरी का 0.1 किलो कैलोरी पाएंगे। अब इस तरीके से मतलब ऊर्जा का स्तर ही खत्म हो जाएगा तो खा के क्या करेगा। मेरे कहने का मतलब ऊर्जा स्तर जो है एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने का मतलब 1/10 हो जाती है, समझ गए ना। मतलब किसी शाकाहारी चीज को कोई जब पहला किसी भी प्लांट्स को जब कोई भी शाकाहारी खाता है तो प्लांट में संरक्षित ऊर्जा का 1/10 पाता है, और उसको वह सेकेंड उपभोक्ता खाता है तो 1/10 का 1/10 पाता है, और जब उसको सर्वाहारी खाता है तो 1/10 के 1/10 का 1/10 पाता है, यानी कि 0.1 पाता है। तो उसके बाद जब एनर्जी ही नहीं बचेगी तो खा के करोगे क्या, खाओगे क्या, जिसमें ऊर्जा नहीं है तो खाली मुंह चबाने से थोड़ी मजा आएगा जब ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो इसलिए ये चैन लंबी नहीं चल सकती। अब ऊर्जा स्तर थोड़ा सा समझ लें, आपको एक चीज मैं समझा दूं कि ऊर्जा स्तर क्या होता है। तो उपभोक्ता को मैंने बताया 3 होते हैं, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, क्लियर। लेकिन ऊर्जा स्तर 4 होते हैं, क्यों, पहला प्लांट हो गया, ये प्लांट हो गए, चलो सुंदर सा प्लांट बना देता हूं, ऐसा मत जानो कि मेरी आर्ट नहीं अच्छी, ये एक पुष्प बना दिया, मेरी नजर में बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी नजर में जो भी हो। तो ये प्लांट, ये हो गया प्रथम ऊर्जा स्तर, और इसको जो खाएगा, मतलब ये मान लो इसको प्लांट्स ऐसे घास वास भी यहां लगी है, इसको मान लो रैबिट ने खाया तो ये हो जाएगा द्वितीय ऊर्जा स्तर। रैबिट को कौन खाएगा, बिल्ली खाएगा, तो ये हो जाएगा तृतीय ऊर्जा स्तर, और बिल्ली को मनुष्य खाएगा तो ये हो जाएगा चतुर्थ तृतीय, इसके बाद ये हो जाएगा, इसको जब मनुष्य खाएगा तो हो जाएगा चतुर्थ ऊर्जा स्तर, समझ गए ना। मतलब ऊर्जा स्तर एक खाद्य श्रृंखला में 4 ऊर्जा स्तर हो सकते हैं, यस। उपभोक्ता कितने होंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय, लेकिन ऊर्जा स्तर कितना होगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, क्योंकि उपभोक्ता इसमें प्लांट भी आ जाएंगे, पहला ऊर्जा स्तर हमारा प्लांट हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा प्रथम उपभोक्ता, तीसरा क्या हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता, और चतुर्थ क्या हो जाएगा हमारा तृतीय उपभोक्ता, हमारा चौथा ऊर्जा स्तर हो जाएगा, समझ गए। कहने का मतलब एक है, उपभोक्ता 3 होंगे लेकिन ऊर्जा स्तर हमारे कितने होंगे, 4 होंगे। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो चाय पी लो, जिससे उसमें क्या होता है, चाय में कैफीन होती है, और कैफीन क्या है, एक नशा है, पता है कि नहीं पता है, चाय में कैफीन होती है जो एक नशा है, और उस नशा कैसा है, उत्तेजक है, स्टिमुलेंट है, जो आपके अंदर थोड़ा सा तरोताजगी लाएगा, और ताजा टी पियोगे तो कुछ ज्यादा आ जाएगा, तो उसके बाद फिर समझने की कोशिश करेंगे। तो जैविक घटक में मैंने बताया क्या, उत्पादक, मैंने उसको फोटोसिंथेसिस द्वारा समझा दिया कि उत्पादक कौन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। उपभोक्ता मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया, प्रथम द्वितीय तृतीय उपभोक्ता होते हैं, और इनके ऊर्जा स्तरों को भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया। तीसरा क्या होता है, अपघटक। अपघटक क्या है, सारे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव कि जितने भी, जैसे मान लो पेड़ पौधा है, तो किसी चीज की अगर साइक्लिक
क्रिया नहीं होगी तो चीज़ खत्म हो जाएगी। जैसे साइकिल होना जरूरी है, हमारे यहाँ वाटर अगर साइकिलिंग ना होता तो पानी कब का खत्म हो गया होता। पानी हम लोग खेत में सींचते हैं, एवोपरेट होता है, ऊपर जाता है, कंडेंसेशन होता है, प्रिसिपिटेशन होता है, फिर से पानी बनता है, इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। लिविंग बींग का भी यही कहानी है भैया, पेड़ का पत्ता है, पेड़ बड़ा हुआ, पेड़ की पत्तियां जमीन में गिरी, जमीन में फिर जब गिरेंगी तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे, सड़ा गला के मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरीके की जो लाइफ है उसकी भी एक साइकिल है, और लास्ट के साइकिल को अगर देखा जाए तो आप भटक जो हैं, जो डिकम्पोजर हैं, ये सफाई कर्मी हैं, ये डिकम्पोज कर देते हैं, ये किसी भी चीजों को डेड होने के बाद डिकम्पोज करके सॉयल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कौन होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक, तो ये तीन चीजें आपको पूरे तरीके से मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा और ये बात हो गई जैविक घटक की, अब अजैविक घटक पे बात करते हैं। अजैविक, आ मतलब जीव, आ माने नहीं, जैविक मतलब जीव, जिसके अंदर जीव नहीं है। तो अजैविक घटक की बात करें तो मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो भावनाओं को समझने की कोशिश करना, शब्दों पे मत जाना, आप लोग सर्वज्ञ ज्ञानी हैं ऐसा कभी मत समझना, क्योंकि मैं खुद को भी नहीं समझता और पढ़ने के पहले पढ़ता हूँ, आपको पढ़ाने के पहले। हमेशा मानना चाहिए कि हमें ज्ञान लेने के लिए, ज्ञानार्जन लेने के लिए कभी हमको सर्वज्ञ ज्ञाता नहीं समझना चाहिए। अहम ब्रह्मास्म की फीलिंग अगर आ गई, सुस्तता पद की ये रिएक्शन होने लगता है, आपसे ऐसे हार्मोन निकलेंगे कि आपके अंदर कुछ भी आएगा नहीं। तो भैया अजैविक घटक जो हैं इसके तीन पार्ट हैं, इसमें भी तीन पार्ट। नंबर एक भौतिक, नंबर दो कार्बनिक, नंबर तीन अकार्बनिक। भौतिक अपघटक कौन है भैया? भौतिक मतलब जो तुम्हारी भौतिक वातावरण में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तुम्हारा ताप, तुम्हारा दाब, तुम्हारा एयर प्रेशर, वायु दाब, आर्द्रता, ये सब क्या है, लैंडफॉर्म्स, जितने भी पहाड़ चट्टान, ये सब जो लैंडफॉर्म्स तुम्हारी स्थलाकृतियां हैं, चट्टान पत्थर, चट्टान पहाड़ पठार मैदान, ये सब क्या हैं, ये सब भौतिक तत्व हैं। ठीक, समझ गए ना। अब दूसरा क्या आता है, कार्बनिक तत्व। ठीक, अब कार्बनिक तत्व में जो है बेटा, भौतिक हो गया, कार्बनिक तत्व में जिसमें कार्बन पाया जाए, जिसमें कार्बन पाया जाए, जैसे ले लो क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज अभी बन रहा था ना पौधे में, C6H12O6, मतलब कार्बनिक ग्लूकोज जो हम लोग ग्लूकोन डी पीते नहीं, ग्लूकोन डी पी लो तुरंत ऊर्जा आ जाएगी। तो ग्लूकोन डी में क्या होता है, ग्लूकोज में भी क्या होता है, कार्बन होता है। आपका प्रोटीन ले लो तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है, इसमें होता है आपके प्रोटीन में। तो लगभग हमारे पूरे बॉडी में तो ये सब क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। आप पार्ले जी खा रहे हैं उसमें भी कार्बनिक पदार्थ है। ठीक, तो ये सारी चीजें जितना भी एडेबल चीजें हैं उसमें ज्यादातर चीजों में क्या होते हैं, कार्बनिक चीजें होती हैं। तो जिसमें जिसमें भी कार्बन, कार्बन समझ रहे हो ना, C6H12, ये जो कार्बन होता है भैया, कार्बन कोयला वाला कार्बन, मतलब कार्बन बहुत सारी चीजों में, हमारी पूरी बॉडी जो बनी है वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन्हीं चार तत्वों को मिला लो तो 98% बॉडी बन जाती है। समझ गए ना। तो ये कार्बनिक तत्व क्या है, वो समझ चीजें जो जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है वो कार्बनिक घटक हो गए। अकार्बनिक लाइक दैट ऑक्सीजन O2, लाइक दैट पानी H2O, पानी और नानी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं जीवन में, पानी सब्सटेंस में और रिलेशन में नानी, इन दोनों का बहुत महत्व है। नानी के घर से अच्छा कोई नहीं हो सकता, और सब्सटेंस में जीवन में पानी का भी बहुत रोल है। तो बेटा क्या हो गया कि H2O नॉन अकार्बनिक में आपका हो गया O2, H2O सॉयल। सॉयल में मेनली होता क्या है, सियाल, सिलिकॉन एल्युमिनियम, सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम।
तो ये सब क्या है, ये क्या है, अकार्बनिक तत्व है। तो मैंने बताया जैविक अजैविक घटक, मैंने कहा किसको तोड़े, सबसे अजैविक के तीन पार्ट्स किए, जैविक के तीन पार्ट्स किए। जैविक के क्या किए, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक को मैंने पेड़ पौधे बना दिए, उपभोक्ता में प्रथम द्वितीय तृतीय और चार ऊर्जा स्तरों में बांट दिया, अपघटक को समझा दिया। इसके भी भौतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक, कोई दिक्कत, कोई संकट नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। सारे संकट, संकट कटई हरई सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। तो संकट तो ईश्वर पे छोड़ देना है, खुदा पे छोड़ देना है, संकट तो खुदा हरेंगे, आपका काम है कर्म करना और आप कर्म करते रहें। तो बाबा भाई देखो, जैविक घटक हो गया, अजैविक घटक हो गया, उत्पादक उपभोक्ता हो गए, सब कुछ हो गया। अब बात करते हैं जो इकोसिस्टम है ना, इसको दो भागों में हम और बांटते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। ठीक, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक क्या है, जंगल, जंगल। अच्छा, इकोसिस्टम कोई कहे सूक्ष्म, सबसे छोटा इकोसिस्टम क्या, तो इकोसिस्टम एक पानी की बूंद से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड हो सकता है, क्योंकि पानी के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस हैं, उनका उनके पानी के अंदर से ही कोरिलेशन हो रहा है, वो उनका इकोसिस्टम है। और पूरा ब्रह्मांड, जिस सेलेस्टियल बॉडी है, जिस आकाश पिंड, इस ब्रह्मांड में मौजूद सारी चीजों के साथ भी हमारा एक आपसी रिलेशन है। तो इकोसिस्टम छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हो सकता है। ठीक, अब मैंने कहा इकोसिस्टम दो होते हैं, प्राकृतिक जो ईश्वर द्वारा निर्मित है, जो ऑलरेडी पहले से है, जैसे जंगल हो गया, कहीं घास का मैदान हो गया, कहीं रेगिस्तान हो गया, कहीं पानी हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। मानव निर्मित आजकल यही तुम्हें दिखता है, करोड़ों का मकान बनवा के ऊपर गोभी बोते हैं। करोड़ों का मकान बनवा लेंगे तो चार फरुआ माटी डाल के उस पर गोभी बोएंगे, कहेंगे पापा वो देखो क्या फूल आ गया है, गोभी खाएंगे। तुम मतलब कहने का मतलब ये है कि आज के समय में प्राकृतिक छोड़ो, मानव निर्मित इको सिस्टम बनाने की बहुत ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। घर खूब बड़ा सा, मतलब उन्होंने डिफॉरेस्टेशन किया, अपनी विलासिता को पूर्ण करने के लिए उन्होंने पूरे तरीके से जंगलों, जीवों सबका सर्वनाश करने के बाद अपना घर बड़ा सा बनाए, पूरा पहाड़ वहाड़ सब जैसा घर बना के सुंदर सा, उसमें चार पेड़ फूल, चार पेड़ पाती, चार पेड़ लहसुन, चार पेड़ धनिया लगा के, कहे वाओ ये मानव निर्मित इकोसिस्टम है। कहा मेरे अंदर वाटर का नहीं है, वाटर वाला इकोसिस्टम, पापा स्विमिंग पूल बनवा दो। स्विमिंग पूल बनवा के उसमें चार मछलियां डाल दिए, चार और जीव डाल दिए, कुछ कवक डाल दिए, कुछ शैवाल डाल दिए, कुछ लाइकेन डाल दिए, उन्होंने एक नेचुरल, कहने का मतलब यह है मानव द्वारा निर्मित इकोसिस्टम क्या होता है, समझ गए ना, और एक प्राकृतिक इकोसिस्टम होता है। दोनों मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मनुष्य अपने द्वारा निर्मित किया गया पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाता है, मानव निर्मित, और ईश्वर द्वारा या प्रकृति द्वारा निर्मित इकोसिस्टम क्या कहलाता है, प्राकृतिक। इसी की दो बात और करेंगे बस, उसके बाद आप लोगों को छोड़ेंगे। छोड़ेंगे क्या, पकड़ थोड़ी रखे ना, ऑफलाइन क्लास थोड़ी, ऑनलाइन है, जाओ पानी पी आओ, फिर आके ऑफ करके फिर से चला लेना। इसके बाद दो बातें बचती हैं कि जो इकोसिस्टम है बेटा, एक होता है जलीय और एक होता है स्थलीय। जलीय इकोसिस्टम, स्थलीय, इसको बोलते हैं इक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी को बोलते हैं पानी वाले स्थल परिस्थिति, इक्वेटिक स्थल सिस्टम, और स्थलीय को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो जो जलीय इकोसिस्टम है इसको भी तीन भागों में बांट लेते हैं, डिसुम डिसुम डिसुम। आपको लग रहा होगा कि सर बड़ा तीन भाग में बांट रहे हैं, हर चीज को पकड़ के तीन भाग में बांट रहे हैं। एक्चुअली जो मेरे सर थे ना, वो मारते ऐसे थे, सारे बच्चों को खड़ा करके मार लेते थे कि 10 डंडा वाला, 20 डंडा वाला और 30 डंडा वाला। आदत पड़ गई है कि हर चीज को तीन भागों में बांटने की। खैर चलो देखते हैं, जलीय पारिस्थितिकी, जलीय जो इक्वेटिक इकोसिस्टम है इसके तीन भाग हैं। एक तुम्हारा लवणीय यानी कि सैलाइन वाटर, अलवणीय, लवण माने क्या होते बेचारा, नमक, अलवणीय
जिसमें सैलिडिटी ना हो, यानी साल्टीनेस ना हो, और अर्ध लवणीय। तीन चीज। पानी दो तरीके होंगे, फ्रेश वाटर भैया जिसमें नमक नहीं है, जिसको हम लोग घर में पीते हैं, नदी में है, तालाब में है, झरने में है, ये क्या है, फ्रेश वाटर है जिनको हम पी सकते हैं। दूसरा भैया समुद्र। समुद्र में पता है क्या होता है, समुद्र में भैया 35 ग्राम पर 1000 ml, मतलब एक लीटर में एवरेज 35 ग्राम नमक होता है। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो और सस्ते में और आराम से समझाएं, तो मान लो 1000 गोली अगर लो, छोटा छोटा गोली खाने वाला, तो उसमें से 35 गोली किसके हैं, नमक के हैं, और बाकी क्या है, नमक साधारण पानी है, और इसमें भी थोड़ा बहुत साल्टीनेस हो जाता है 3-4, बस इससे ज्यादा नहीं। अर्ध लवणीय क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझें। साल्टीन मतलब फ्रेश वाटर वो होता है जो हम लोग पॉन्ड्स में मिलता है, हम लोग डेली यूजेस में है, अंडरग्राउंड वाटर है, रिवर है, ये सब क्या है भैया, फ्रेश वाटर है। लवणीय कौन है, जो ओशियन और सीज में है। लगभग हमारे टोटल वाटर का 97% वाटर किसमें है, ओशियन और सीज में है, और जो क्या ऐसा है लवणीय है, मतलब सैलाइन है जिसमें नमक है। ओनली 0.7% वाटर इज फ्रेश वाटर, ये हमारे लिए। और अर्ध लवणीय क्या होता है, एक चीज जानते हो, नदी, नदी और झरने में क्या अंतर है, या लेक और नदी में क्या अंतर है। लेक में पानी क्या होता है, डिपॉजिट रहता है। नदी का काम कहते हैं बहने का नाम पानी। नदी में पानी, जितनी भी नदियों का उद्गम होता है वो पानी ऐसे मान लो लेकर निकलती हैं, और यहां तुम्हारा क्या है, ओशियन है, और ये जाके यहां मिल जाती हैं। तो यहां से तो फ्रेश वाटर जा रहा है, और यहां कैसा है, सैलाइन वाटर है। तो इस वाटर में मिलने का जो ये जगह हुई थी, इस जगह को बोलते हैं अर्ध लवणीय। मतलब जहां से नदी और ओशियन का मिलन हो रहा है, ये अर्ध लवणीय हो गई। ठीक, तो मैंने बताया कि ये क्या हो गया, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, इक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया, और दूसरा आ जाओ स्थलीय इकोसिस्टम। स्थलीय इकोसिस्टम को भी हम 3-4 भागों में बांटते हैं, पहला वन, दूसरा घास मैदान, तीसरा टुंड्रा वन, चौथा रेगिस्तान। अब इस तरीके से ये 4 चीजें हैं, वन घास मैदान, टुंड्रा वन, रेगिस्तान, इस 4 भागों में बांटते हैं। अच्छा, दो एक शब्द और बता दें आपको, जो फूड पिरामिड होता है, फूड पिरामिड कुछ नहीं, एक प्रथम उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय उपभोक्ता खाता है, इस जो श्रृंखला का निर्माण होता है इसको क्या बोलते हैं, फूड चैन, इसी को बोलते हैं फूड चैन। मान लो कि घास घास को खाया, रैबिट रैबिट को खाया, जो है कैट, इस तरीके से फूड चैन हो गया। दूसरी बात, इसी शब्द के साथ मैं विराम लूंगा और ये पूरे तरीके से खत्म होगा कि भाई आप जो है, जो फूड सिस्टम हो गया, एक होता है फूड जाल, मतलब खाद्य जाल, जब यही सिस्टम के कई सिस्टम बन जाते हैं, मतलब जब डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, जीवों के खाने की विविधता ज्यादा पाई जाती है, तो उसे फूड जाल कहते हैं। इससे संबंधित सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो सिद्धत के साथ खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।